एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला आज हम पढ़ेंगे अपोलोनियस आइडेंटिटी ठीक है तो uh, कभी कभी इस आइडेंटिटी का आईदेन्टी का डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछ uh, पूछ लिया जाता है फिर हमें ये चीज़ प्रूफ करनी होती है पर uh, ये चूँकि अपोलोनियस आइडेंटिटी है तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट uh, देख लेते हैं

इसका प्रूफ करने से पहले हमें सबसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे इसके प्रूफ में पैरेलोग्राम इक्वालिटी की ठीक है तो आई होप आप सबको पता होगा कि पैरेलोग्राम इक्वालिटी क्या होती है अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी ठीक है यहाँ पे हम जनरली उस आइडेंटिटी को देख लेते हैं कि अगर वी और डब्ल्यू एक्स में बिलोंग करते हैं ठीक है दो एलिमेंट वी और डब्ल्यू हैं एक्स में अगर बिलोंग करते हैं तो नॉर्म ऑफ एक्स वी प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ डब्लू स्क्वायर ठीक है तो ये होता है हमारा पैरेललोग्राम आइडेंटिटी अब हम क्या करेंगे पुटिंग वी इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट ठीक है अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम जब uh, v इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स पुट करेंगे और w इज इक्वल टू जेड माइनस वाई पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा नॉर्म ऑफ v के जगह हम जेड माइनस एक्स रख रहे हैं तो नॉर्म ऑफ जेड माइनस एक्स प्लस जेड माइनस वाई का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ जेड माइनस एक्स माइनस चूंकि यहाँ पर माइनस साइन है तो उसको हमने यहाँ पर माइनस रख लिया और डब्लू इसकी वैल्यू क्या है z माइनस वाई हम पुट कर रहे हैं तो माइनस जेड माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई सॉरी इज इक्वल टू टू इंटू नॉम ऑफ z माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ z माइनस वाई का स्क्वायर ठीक है यहाँ पे नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर है वी के जगह हम z माइनस एक्स पुट कर रहे हैं और w के जगह z माइनस वाई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ठीक है अब ये क्या हो जाएगा प्लस जेड यहाँ है प्लस जेड यहाँ है तो ये टू टाइम्स हो जाएगा ठीक है तो नॉर्म ऑफ टू जेड माइनस अब दोनों में यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर ठीक है प्लस अब ये हो गया जेड माइनस एक्स माइनस अब इसमें से हम अगर कॉमन ले लेते हैं सॉरी हाँ इसमें से अगर हम माइनस सॉरी um, माइनस अगर अंदर हम ब्रैकेट हटा दें तो ये माइनस जेड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस जेड हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ जेड माइनस वाई माइनस जेड प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू नॉर्म ऑफ जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू नॉर्म ऑफ जेड माइनस वाई स्क्वायर ठीक है अब अगर हम इन दोनों टर्म से ये एक टर्म हो गया ये दूसरा टर्म हो गया इन दोनों में से अगर हम टू को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा नॉर्म ऑफ टू इन टू इन ब्रैकेट जेड माइनस एक्स प्लस वाई बाई टू स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ अब ये जेड जो है ये z इस z से कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ z नॉर्म ऑफ माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू नॉम ऑफ z माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू इंटू नॉम ऑफ z माइनस वाई सॉरी नॉर्म ऑफ z माइनस एक्स स्क्वायर प्लस नॉम ऑफ z माइनस वाई स्क्वायर ठीक है अब ये जो टू है चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है और ये जो टू है वो रियल नंबर है तो इसको जब हम बाहर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा टू का स्क्वायर यानी कि फोर हो जाएगा तो फोर इंटू नॉम ऑफ जेड माइनस एक्स प्लस वाई बाई टू स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू नॉर्म ऑफ जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू नॉर्म ऑफ जेड माइनस वाई स्क्वायर ठीक है ये जेड प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और ये जेड माइनस वाई स्क्वायर हो गया सिंस नॉम ऑफ अबक हम इस चीज़ को लिखते हैं ठीक है किसको डायरेक्ट हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा कि नॉर्म ऑफ माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अगर इस पे से हम माइनस माइनस वन कॉमन ले लें तो ये बाहर आ जाएगा नॉम ऑफ माइनस वन इंटू एक्स माइनस वाई ये माइनस है माइनस हमने कॉमन लिया प्लस हो गया ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा ठीक है स्क्वायर इज इक्वल टू अब हमें पता है कि जब भी नॉर्म ऑफ अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है नॉम ऑफ अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ अल्फा इन टू नॉम ऑफ एक्स ठीक है तो ये अल्फा की तरह वर्क करेगा तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस वन अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया ठीक है तो मॉड ऑफ माइनस वन स्क्वायर नॉम ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉड ऑफ वन जो माइनस वन है ये क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा ठीक है तो ये हो गया नॉम ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इसलिए हमने डायरेक्ट इसके जगह पे ये पुट कर दिया ठीक है अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टू वी गेट अब दोनों साइड में हम क्या करेंगे टू से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा यहां पे हम टू से जब डिवाइड करेंगे तो टू बचेगा टू इंटू नॉम ऑफ जेड माइनस एक्स प्लस वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वन बाई टू नॉम ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे टू नहीं है तो जब हम टू से डिवाइड करेंगे तो वन बाई टू आ जाएगा इज इक्वल टू ये दोनों साइड के जो टू है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो नॉम ऑफ जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस नॉम ऑफ जेड माइनस वाई स्क्वायर ठीक है अगर हम इसे सिस्टमेटिक लिख लें तो क्या हो जाएगा नॉम ऑफ जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस नॉम ऑफ जेड माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू नॉम ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस टू इन नॉर्म ऑफ जेड माइनस अभी वन बाई टू टू जो अपॉन में टू है उसको हम वैसे लिख सकते हैं वन बाई टू नॉम ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ठीक है तो ये था हमारा जो अपोलोनियस थ्योरम है उसका प्रूफ अपोलोनियस आइडेंटिटी जो है उसका प्रूफ था तो ये छोटी सी आइडेंटिटी है और बहुत ही ज़्यादा आसान है तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा और अगर नहीं समझ आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं थैंक यू सो मच